हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम टू आवर न्यू करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें करंट अफेयर्स के लिए डेली क्विज जो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आज फिर से आ गए हैं 6 नवंबर की डेली करंट अफेयर्स क्विज के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही उसे रिलेटेड जो फैक्ट रहेंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। और आज आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि आपके लिए डेली अब जो है यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज और साथ में जो है और भी जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए प्रश्न उत्तर रूप में जो है बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ जीएस के विभिन्न पार्ट जैसे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स से संबंधित विषयों से संबंधित प्रश्न भी अपलोड किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल ने निम्न में से किस देश में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी पर आपत्ति जताई है? तो ये है आंसर भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत के निर्यात सब्सिडी पर आपत्ति जताई है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो अब यहाँ पे भारत पे क्यों है आपत्ति क्यों लगाई है? तो सबसे पहले WTO के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि WTO क्या है। WTO जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में गॉट के स्थान पर हुई थी, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, विश्व के आयात निर्यात मतलब व्यापार को नियंत्रित करता है। तो इसने जो है भारत की, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है $1,000 से अधिक हो गई है, इस वजह से जो है भारत को आपत्ति जताई गई है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, एशियाई में जो है गोल्ड 10 मीटर में एयर पिस्टल जीता, तो ये भानु भास्कर हैं। भानु भास्कर के बारे में बता दें कि इन्होंने यहाँ 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए जो है पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम संवर्धन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ईरान। तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जो है, जो हसन रूहानी ने घोषणा की है कि वो यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो है अमेरिका और साथ ही साथ P5 जो देश थे, P5 में जो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं और P5 P5+1 एक जर्मनी, इनके साथ और साथ में ईरान के साथ जो है समझौता हुआ था कि ईरान अपना संवर्धन कार्यक्रम जो है यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोक देगा, लेकिन अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। तो अब जो है ईरान भी उस समझौते से बाहर हो गया और यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है चौथा, RBI ने हाल ही में मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाते की निकासी सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार रुपये कर दी है? तो ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं PMC बैंक क्या होता है। PMC यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये एक सहकारी बैंक है और इस पे जो है अनियमितता को देखते हुए RBI ने इसको जो है एक निश्चित सीमा लगा दी थी निकासी के, तो अभी जाकर उस सीमा को बढ़ा दिया गया है और अब जो है 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लोक जनशक्ति पार्टी ने किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ने किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, चिराग पासवान ने, ठीक है। नेक्स्ट है छठवां, नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, वायजर, वायजर 2, ठीक है, वायजर 2। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी अपने सभी 7 प्रांतों में नए गवर्नरों की नियुक्ति की है? तो ये आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो विद्या देवी भंडारी और नेपाल का जो राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है उसका शीतल भवन कहते हैं। वहाँ पे क्या किया, जो प्रांत 7 प्रांत के गवर्नर थे
और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार उन गवर्नरों को हटाकर नए गवर्नर की नियुक्ति की है। नेक्स्ट है आठवां, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये आपका हो जाएगा बी वाला, मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है? स्टैंडिंग व्हील चेयर, तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने बनाई है। तो ये रहे दोस्तों आज के टॉप करंट अफेयर्स 6 नवंबर के आपके। ये करंट अफेयर्स मैं कोशिश करूंगा कि पीसीएस तक पूरा करंट अफेयर्स की क्लासेस ऐसे चलती रहें, और साथ ही यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज जो है बहुत जल्द शुरू की जाएगी। कल या परसों से आपका यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज ऑनलाइन यहीं पे शुरू हो जाएगी, पिछले साल की तरह। जैसे पिछले साल जो है पीसीएस 2018 के लिए पीसीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, इस बार भी टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ सब लोग जो है टेस्ट सीरीज जो है अपना पेड कोर्स कर दिए हैं ज़्यादातर, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।